हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर स्टूडेंट फेस करता है, वो है कल पढ़ूंगा। मतलब स्टूडेंट की लाइफ में हमेशा ये बात चलती रहती है, जैसे ही टेस्ट आने वाला है, मतलब अनाउंस कर दिया गया कि एक महीने बाद टेस्ट है, तो वो सोचता है कि अभी तो बहुत टाइम है, कल से शुरू करूँगा। फिर सोचता है नहीं तो फिर से शुरू करूँगा। फिर सोचता है नहीं रात को पढ़ूँगा। फिर सोचता है नहीं कार्टून देख लूँ फिर पढ़ूँगा। फिर सोचता है नहीं पहले मैच देख लूँ फिर पढ़ूँगा। ओह यार, आज तो एक बहुत अच्छी मूवी आई है, मूवी देख लेता हूँ उसके बाद पढ़ूँगा। अरे यार, अब तो मैं थक गया, सुबह उठ के जल्दी उठूँगा आज और तब पढ़ूँगा। अरे यार, आज तो अच्छी नींद आ रही है, अच्छे सपने आ रहे हैं, स्कूल से आने के बाद पढ़ूँगा। अरे नहीं, अभी तो यार थक गया, खाना खा लेता हूँ फिर पढ़ूँगा। यार अभी तो खाना खाया है, खाना खा के थोड़ी सी देर रेस्ट कर लेता हूँ या थोड़ा सा खेल लेता हूँ, अच्छे तरीके से फ्रेश हो जाऊँगा, खाना पच जाएगा फिर पढ़ूँगा। अरे यार, अब तो दोस्त आ गए, थोड़ी सी देर उनके साथ खेल लेता हूँ, शाम को आके आराम से पढ़ूँगा। अरे अभी तो मिक्की माउस आ रहा है, टॉम एंड जेरी आ रहा है, थोड़ी सी देर देख लेता हूँ फिर पढ़ूँगा। अरे यार, आज तो पार्क घूमने जाना है, फैमिली के साथ लंच करने जाना है, डिनर करने जाना है, उसके बाद आके पढ़ूँगा। तो मतलब यही चलता रहता है, कल पढ़ूँगा, कल पढ़ूँगा, कल पढ़ूँगा, कल से शुरू करूँगा, अब शुरू करूँगा, ये शुरू करूँगा, वो शुरू करूँगा, इस दिन से करूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, पर लेकिन शुरुआत नहीं हो पाती। तो ये क्वेश्चन हर कोई फेस करता है, ये सिचुएशन भी हर कोई फेस करता है, पर लेकिन इसका सॉल्यूशन है, आप कल से पढ़ सकते हैं। आप जब चाहे जो सेट किया है टाइम तभी से पढ़ सकते हैं, पर लेकिन आपको थोड़ी उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, सबसे आसान है और सबसे सिंपल है, वो है आप खुद। मतलब आपने जो सेट किया है उस टाइम पे आपको क्लिक होगा कि हाँ, मैंने जैसे आपने आज डिसाइड किया कि मैं दोपहर को मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी सी देर बाद पढ़ूंगा, तो उस टाइम पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके मन में एकदम से क्लिक होगा कि यार अभी तो मुझे पढ़ाई शुरू करनी थी। तो उस टाइम पे आपके पास दो रास्ते होंगे, या तो पढ़ाई की जाए, नहीं तो एक और बहाना मार दिया जाए कि नहीं यार, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले मूवी पूरी कर लेता हूँ फिर उसके बाद पढ़ूँगा। तो वहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभी पढ़ना है या फिर बाद में। देखो, कल न तो आज तक आया है न कभी आएगा, आप भी मतलब काफ़ी बड़े हो गए होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो चीज़ आज तक नहीं आई और ना ही कभी आने की बिना आपकी शुरुआत किए। तो कल से क्यों शुरुआत करें, अभी से करें। कुछ लोग क्या करते हैं, टारगेट बनाते हैं कि भाई मुझे आज 8 घंटे पढ़ना है, फिर कैलकुलेशन लगाई उन्होंने, 6 घंटे सोने के, 6 घंटे स्कूल के, फिर मतलब 12 हो गए, फिर 2-4 घंटे इधर तो 16 हो गए, और 1-2 घंटे और खेलने के तो फिर 18 हो गए, बचे कितने 6, और टारगेट था 8 घंटे का। तो क्या सोचते हैं कि यार 6 घंटे क्या करेंगे पढ़ के, पढ़ना 8 ही घंटे हैं, मतलब टारगेट फिक्स करते हैं। पर अगर वो टारगेट अचीव नहीं हो पाता तो वे पूरी चीज़ को छोड़ देते हैं। ज़रूरी ये नहीं है 8 घंटे पढ़ना, अगर आपको 1 ही घंटा मिला, 1 घंटा छोड़ो 30 मिनट मिले, 30 मिनट छोड़ो 1 मिनट भी मिला, तो आपको वो पढ़ना है, क्योंकि वो काउंट अप होगा और उससे आपको खुद में एक बिलीव मिलेगा, खुद में एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप चाहे आपने जो टारगेट बनाया है उसका अगर आप एक छोटा सा हिस्सा भी अचीव करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो कल नहीं, आज पढ़ना है, अभी पढ़ना है, और अपने टारगेट को
कोशिश करनी है, पूरा अचीव करना है। पर लेकिन अगर पूरा अचीव नहीं हो रहा तो उस टारगेट को छोड़ना नहीं है कल के लिए कि कल से शुरुआत करूँगा, चाहे उसका 1% हिस्सा आप कंप्लीट कर पा रहे हो आज तो उसे कल पे मत डालो, वो 1% हिस्सा कंप्लीट कर दो। चाहे 1 मिनट पढ़ो, चाहे बुक खोलो, उससे क्या होगा कि आपने जैसे आपने टारगेट बनाया कि मैं कल से पढ़ूंगा, कल आपने सबसे पहले टेबल साफ कर दिया, अच्छे तरीके से बुक्स लगा दी, जो आपकी ज़रूरी है वो बाहर निकाल दी, जो नहीं ज़रूरी है वो एक तरफ रख दी, अलमारी में रख दी, और फिर आपने 5 मिनट खोली बुक, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं किया, तो इसमें आपका नुकसान नहीं हुआ, इसमें आपको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि आज आपने बहुत बड़े काम किए। वो क्या था, सबसे पहले तो आप कलेक्शन क्लियर कर पाए, जो ज़रूरी बुक थी उन्हें एक तरफ कर पाए, जो अनजरूरी बुक थी उन्हें एक तरफ कर पाए, दूसरा आप अपनी टेबल क्लियर कर पाए जो आपको अट्रैक्ट करेगी कि हाँ मतलब अच्छा लगेगा आपका रूम, मतलब एक माहौल सा आएगा। अगर आपने 5 मिनट भी खोली है तो आपने कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आप कितना कर पा रहे हैं, ज़रूरी ये है कि आपने शुरुआत की या नहीं। बैठे रहने से आज तक ना तो कुछ हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। ज़रूरी ये है आप कितना चले, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी किस जगह पे कितनी देर खड़े हुए हो, वो चीज़ आपको डिसाइड नहीं करती। डिसाइड वो करती है आपने कितने कदम आगे बढ़ाए, चाहे वो ज़रा सा हो चाहे ज़्यादा बड़ा हो, आपकी सक्सेस उसी से डिफाइन होगी। तो चाहे मैं एट लास्ट यही कहूँगा कि चाहे 1% आप अचीव कर पा रहे हो तो उसे मिस मत करो, कर दो। 1% की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो आपको फ्यूचर में पता चलेगी। उस टाइम पे आपको यही लगेगा कि यार अभी तो कुछ नहीं हुआ, एक ही घंटा पढ़ पाया, पर लेकिन उस एक घंटे की वैल्यू आपको पता लगेगी फ्यूचर में। तो आगे बढ़िए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये और किसी के भी काम आ सकती है, तो इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आप और भी मोटिवेशन की वीडियो पाएंगे। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देता रहूँ। थैंक यू।